Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Before starting current affairs MCQ session of 14 July, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे. आपका कल का क्वेश्चन था वर्ल्ड फर्स्ट रिपोर्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर रिलीज बाय होम. तो वर्ल्ड का पहला रिपोर्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हेल्थ केयर को लेकर, इसको रिलीज किया गया किन के द्वारा. आपके ऑप्शन है WHO, ऑप्शन बी ICMR, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी नैन ऑफ दिस. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए WHO. जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने रिलीज किया है वर्ल्ड का पहला रिपोर्ट जो कि यूज कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ केयर सेक्टर के लिए. इस रिपोर्ट का नाम है इथिक्स एंड गवर्नेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर हेल्थ. WHO ने इनपुट लिया है वेरियस इंटरनेशनल एक्सपर्ट से जिन्होंने प्रिपेयर किया इस रिपोर्ट को, जिसको कि यूज किया जाएगा कंट्रीज के द्वारा ताकि वो मिनिमाइज कर सके रिस्क को और मैक्सिमाइज कर सके बेनिफिट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. क्या चैलेंजेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, तो अनइथिकल कलेक्शन, यूज ऑफ हेल्थ डाटा, बायसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम, अनरेगुलेटेड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू पेशेंट सेफ्टी, डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, अनइन्फॉर्म कलेक्शन ऑफ पेशेंट डाटा. ये सारे चैलेंजेस है जो कि प्रॉब्लम हो सकता है. WHO ने प्रपोज किया है 6 प्रिंसिपल ताकि मैक्सिमाइज कर सके यूटिलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पब्लिक इंटरेस्ट के लिए. अब हम कुछ फैक्ट को कंसीडर करेंगे. तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडोनम गेब्रियस है. फाउंड किया गया था इसको 7 अप्रैल 1948 में. इसके पटल जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है. ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एपेक्स बॉडी है इंडिया का जो कि फॉर्मुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है और प्रमोट करता है बायोमेडिकल रिसर्च को. ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है वर्ल्ड का. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है. इसको फाउंड किया गया था 1911 पे. इसके डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव है. यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का जिसका काम है प्रमोट करना वर्ल्ड के पीस और सिक्योरिटी को इंटरनेशनल कॉपरेशन के माध्यम से एजुकेशन साइंस एंड कल्चर के फील्ड में. यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है. इसके हेड डायरेक्टर जनरल जो है ऑड्रे अजोले है. फाउंड किया गया था इसको 16 नवंबर 1945 को. नाउ लेट्स बिगिन आवर करेंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 14 जुलाई. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु रिलीज द रिपोर्ट टाइटल COVID-19 एंड टूरिज्म एंड अपडेट. किसने रिलीज किया एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है COVID-19 एंड टूरिज्म एंड अपडेट. को आपका ऑप्शन है अंकटेड, ऑप्शन बी UNWTO, ऑप्शन सी बोट ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइटर ए नॉर बी. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोट ए एंड बी. जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटेड है और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है UNWTO, इन्होंने रिलीज किया है एक रिपोर्ट जिसका नाम है COVID-19 एंड टूरिज्म एंड अपडेट इंडिया. उसके अनुसार ये जो रिपोर्ट है कि एक्सपीरियंस जो है 54% ड्रॉप किया गया टूरिस्ट अराइवल में 2020 में. हम देख सकते हैं COVID-19 के कारण यानी काफी ज्यादा जो टूरिस्ट था वो कम ट्रेवल किए हैं. तो उसके पीछे रीजन भी ये भी है कि रिस्ट्रिक्शन बहुत सारा था ट्रेवल को लेकर, बहुत सारा सेफ्टी प्रिकॉशन के कारण भी. ये जो रिपोर्ट है ये एस्टिमेट कर रहा है कि $4 ट्रिलियन का जो है वो ग्लोबल GDP का नुकसान हुआ है 2020 पे और 2021 पे इंटरनेशनल टूरिज्म जो है COVID-19 के कारण, इसके कारण नुकसान हो ही रहा है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है. अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे. तो UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1975 में हुआ था. इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है. इसके सेक्रेटरी जनरल जोसेप पोलकिनसविली, मेंबर स्टेट 159. अंकटेड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1964 पे एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के तौर पे. अंकटेड जो है वो पार्ट है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट का जो कि डील करता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज से. इसके सेक्रेटरी जनरल जो है रेबिका ग्रीनस्पैन है. हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है जेनेवा स्विट्जरलैंड पे. इसका फॉर्मेशन हुआ था 30 दिसंबर 1964 को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच कंट्री टॉप इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स ऑफ 2020. कौन सा कंट्री टॉप किया है जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है 2020 का. इस पे आपका ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी US, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी US. जो भी हाल ही में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 का रिलीज किया गया था जो कि 4th एडिशन था जिसको रिलीज किया गया था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के द्वारा, तो UN एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी IC3. इसमें US जो है टॉप किया इंडेक्स में. UK और सऊदी अरेबिया जो है वो सेकंड पोजीशन पे है जबकि इस्टोनिया जो है वो थर्ड रैंक में है. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमें मेमोराइज होना चाहिए पर इंडिया का क्या रैंकिंग है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इंडिया का स्कोर 97.5 था, इंडिया का रैंक 10th है. इंडिया का जो रैंक था वो 47 था लास्ट रजिस्ट्रेशन जो था 2018 का उसमें, यानी इंडिया ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया 47 से 10th रैंक में पहुंचा है. तो अब हम कुछ फैक्ट को कंसीडर करेंगे. तो एशिया पैसिफिक नेशन में जो साउथ कोरिया सिंगापुर है वो टॉप किया है इस इंडेक्स में जबकि इंडिया का रैंक एशिया पैसिफिक रीजन में 4th है.
ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है ये मेजर करता है कमिटमेंट को 193 आईटीयू मेंबर स्टेट का और पैलेस्टीन का साइबर सिक्योरिटी को फील्ड में ग्लोबल लेवल के अनुसार, जो कि बेस्ड है 5 पिलर्स में। तो 5 पिलर्स कौन कौन से हैं? तो लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन। तो परफॉर्मेंस है कंट्री का और जो कमिटमेंट है उसको एक्सेस किया जाता है बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑनलाइन सर्वे के अनुसार। आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसके सेक्रेटरी जनरल हॉलिन जाओ है, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु इनिशिएट प्रोजेक्ट टू क्रिएट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड साइबर म्यूजियम ऑन वॉर हीरो, किसने इनिशिएट किया इस प्रोजेक्ट को ताकि क्रिएट किया जा सके पहला इस काइंड का साइबर म्यूजियम को वॉर हीरोज के लिए। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो 25th एनिवर्सरी होगा इंडिया के इंडिपेंडेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनिशिएट कर दिया एक प्रोजेक्ट को जो कि क्रिएट करेगा पहला इस काइंड का साइबर म्यूजियम को, जो कि ऑनर किया जाएगा वॉर हीरोज को इंडिया के। ये एक इंटरेक्टिव वर्चुअल म्यूजियम होगा इंडिया के गैलेंट्री अवार्ड विनर, और इसको होस्ट किया जाएगा गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल के माध्यम से। ये जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पार्टनरशिप के साथ सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलकर। तो किसके साथ मिलकर किया जा रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये प्रोवाइड करेगा एक 3D वॉक थ्रू एक्सपीरियंस को गैलरी बिल्डिंग में, वॉल ऑफ फ्रेम पे और एवॉर्डी गैलरी पे, जिसमें फोटो प्रोफाइल टूर ऑफ वॉर मेमोरियल और ऑडिटोरियम सब रहेंगे। अब हम कुछ फैक्ट को कंसीडर करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको अमित शाह संभाल रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन नेवी इंक मूव विथ होम टू डेवलप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इंडियन नेवी ने इंक किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किनके साथ ताकि वो डेवलप कर सके इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है रिल, ऑप्शन बी बीसीसीएल, ऑप्शन सी बेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बेल, बीएल। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसको साइन किया गया इंडियन नेवी और भारत इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड बीएल के द्वारा, जो एक इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली पे, ताकि क्रिएट किया जा सके एक जॉइंट टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फोरम को। जो रीजन था इस मूव के पीछे की फास्टर डेवलपमेंट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का, ये जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा अंडर टीआईएफ टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फोरम के, इसमें इंक्लूड किया गया है वीपन एंड सेंसर को, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑटोनॉमस प्लेटफॉर्म, रोबोटिक्स, इमेज प्रोसेसिंग और कॉग्निटिव रेडियो। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, मई 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था स्पेशल इकोनॉमिक और कम्प्रिहेंसिव पैकेज 20 लाख करोड़ का, जो कि इक्विवेलेंट था 10% इंडिया के जीडीपी का, टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक के खिलाफ लड़ने के लिए। ये बेस्ड था 5 पिलर के ऊपर इकोनॉमिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी, डिमांड। ये जो गोल है वो इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना था। रियल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसके सीईओ मुकेश अंबानी है, फाउंडर धीरूभाई अंबानी, फाउंड किया गया था 8 मई 1973 को। बीसीसीएल भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर धनबाद में है, फाउंड किया गया था 1972 पे, और इसके सीएमडी पीएम प्रसाद है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इंडियन स्टेट ओन एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। ये प्राइमरीली मैन्युफैक्चर करता है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को ग्राउंड और एरोस्पेस एप्लीकेशन के लिए। बीएल जो है वो वन ऑफ द 9 पीएसयू है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। इसको नवरत्न का स्टेटस भी दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु पे है, इसको फाउंड किया गया था 1954 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया इन विच कंट्री बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिट 5 और 6 ऑफ कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट इन तमिलनाडु, इंडिया किस कंट्री ने स्टार्ट कर दिया कंस्ट्रक्शन जो यूनिट 5 और 6 था कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट का तमिलनाडु पे। तो कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट का कंस्ट्रक्शन कहां पे किया जा रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तमिलनाडु पे किया जा रहा है, किस कंट्री के साथ मिलकर। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है रशिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है रशिया। जो रोस्टम रशियन स्टेट रन न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन है और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया है कंस्ट्रक्शन वर्क यूनिट 5 और 6 कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का तमिलनाडु पे। ये जो कुंडाकुलम है ये इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। जो स्टार्टिंग हो रहा है वर्क का वो वर्चुअली लॉन्च किया गया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन डीएई के सेक्रेटरी केएन व्यास के द्वारा। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है केएनपीपी का वो 31 मार्च 2002 में ही स्टार्ट हो गया था। न्यूक्लियर प्लांट जो है वो रिजल्ट है इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट का जिसको कि साइन किया गया था 20 नवंबर 1988 में। जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के इंडिया के राजीव गांधी और सोवियत हेड जो थे स्टेट के माइकल गॉर्बेचेव के द्वारा। इंडिया और रशिया ने एग्री किया था कि वो न्यूक्लियर पावर इमिशन बिल्डिंग करेंगे 12 न्यूक्लियर प्लांट का 2035 तक।
रोसटम के जो डायरेक्टर जनरल है एलेक्सी लाइकेचेव, हेडक्वार्टर मॉस्को रशिया पे है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, इसके CMD SK शर्मा है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रूबेल। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो और CFP फ्रैंक। जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा, कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानी येन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु ऑथर द बुक टाइटल द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ द इमरजेंसी। किसने ऑथर किया एक बुक जिसका टाइटल है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ द इमरजेंसी। आपके ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी अशोक चक्रवर्ती, ऑप्शन सी अनिंदिया दत्ता, ऑप्शन डी मैन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अशोक चक्रवर्ती। जो हार्पेन कॉलिंस है उन्होंने रिलीज किया एक न्यू बुक जिसका टाइटल है द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी। इसको ऑथर किया गया है अशोक चक्रवर्ती के द्वारा, जो कि एक इकोनॉमिस्ट और सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ जिम्बाब्वे के, जो कि बेस्ड है हरारे जिम्बाब्वे पे। इस बुक को पब्लिश किया जा रहा है हार्पेन कॉलिंस इंडिया के द्वारा। ये जो बुक है वो फीचर्स कर रहा है जो स्ट्रगल है इमरजेंसी के दौरान वन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के डार्केस्ट आवर के बारे में ये बता रहा है। रामचंद्र गुहा, जिनके बारे में ऑप्शन में मेंशन था, इनके द्वारा ऑथर किया बुक का टाइटल है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। अनिंदिया दत्ता के द्वारा ऑथर किया हुआ बुक का टाइटल है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टू न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेल डिस्कवर इन विच प्लेस। जो दो न्यू स्पीसीज है स्नेल का उसको अभी हाल ही में डिस्कवर किया गया है किस प्लेस से। आपके ऑप्शन है ईस्टर्न घाट, ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट, ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट। ऐसे भी ज्यादातर जो स्पीसीज है वो आपके वेस्टर्न घाट वाले ही बेल्ट में पाए जाते हैं। डिफरेंट डिस्कवरी जो कंडक्ट किया गया था सेवरेंट ग्रुप ऑफ रिसर्चर के द्वारा, जिसमें आइडेंटिफाई किया गया था दो इंडेमिक स्पीसीज को स्नेल का वेस्टर्न घाट के रीजन से। ये जो स्नेल के स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है ये इंडेमिक स्पीसीज है। ये जो स्पीसीज है वो नॉक्टर्नल है, सेमी स्लग है, जिसको कि वराडिया एम्बोलियनेसिस भी कहते हैं। ये न्यू है साइंस वर्ल्ड के लिए। जो स्नेल है सैडरिक है, उसको कंपेयर किया गया है टाइगर से इसके यूनिक कार्निवोरस कैरेक्टर के कारण, जिसको कि डिस्कवर किया गया था पहली बार महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट रीजन पे। तो कहां पे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट रीजन पे। वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलकर करता है नीलगिरी हिल्स पे। अनाई मुरी जो है वो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर एडमायरल डीके जोशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु हैव बीन नेम्ड अमंग द 2021 जनरल इमिग्रेंट ऑनरी। किनका नाम आया है 2021 के ग्रेट इमिग्रेंट ऑनरी के लिए। आपके ऑप्शन है गीता गोपीनाथ, ऑप्शन बी कमलेश लूला, ऑप्शन सी बोट ANB, ऑप्शन डी नाइडर एंड नॉर्वी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोट ANB। जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है IMF, उसके चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ और नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन NASA के साइंटिस्ट कमलेश लूला ने सिलेक्ट किया है 2021 के ग्रेट इमिग्रेंट ऑनरी, जिनका नाम जो है कैरनी कॉर्पोरेशन ऑफ नेटवर्क के द्वारा सिलेक्ट किया गया है। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो जो गीता गोपीनाथ है वो इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, वो कन्नौर से बिलोंग करती है इंडिया के। उनको वो होल्ड कर रही है चीफ इकोनॉमिस्ट के पोजीशन को IMF में 2019 से। उनको अवार्ड दिया गया प्रवासी भारतीय सम्मान का भी, जो कि हाईएस्ट ऑनर है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया जाता है ओवरसीज इंडियन को और पर्सन को इंडियन ओरिजिन के। कमलेश लूला सीनियर एडवाइजर है यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कोलेबोरेशन एट NASA के जॉनसन स्पेस सेंटर और फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट भी है अर्थ ऑब्जर्वेशन स्पेस शटल के। 2015 में उसको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था कॉर्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क। ये जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था एंड्रू कार्नेगी के द्वारा 1911 पे। अभी तक मोर देन 600 आउटस्टैंडिंग इमिग्रेंट जो है उनको ऑनर किया गया है कार्नेगी कॉर्पोरेशन अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गिफ्ट सिटी कोलेबरेटेड विथ होम टू इन्हेंस फिनटेक इनोवेशन। गिफ्ट सिटी ने कोलेबरेट किया है किनके साथ ताकि वो इन्हेंस कर सके फिनटेक इनोवेशन को। आपके ऑप्शन है BRTSIS, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी इर्दा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए BRTSIS। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी ने कोलेबरेट किया है बिल रायर्सन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इंक्यूबेटर फाउंडेशन BRTSIS के साथ ताकि वो इन्हेंस कर सके फिनटेक इनोवेशन को। इस रिगार्ड में जोन के स्टार्टअप इंडिया जो कि पार्ट है BRTSIS के, वो परस्यू करेंगे वेज को ताकि वो सेटअप कर सके और प्रमोट कर सके फिनटेक हब को गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे। ये जो पार्टनरशिप है वो सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजन को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए और इनोवेशन के लिए गिफ्ट का। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तपन राय है। हेडक्वार्टर इसका गांधीनगर गुजरात में है। जोन स्टार्टअप इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत गुप्ता है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, इसके
हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है, चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है, सीईओ अमिताभ कांत है। इसको फाउंड किया गया था 1 जनवरी 2015 में, रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को। इर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको फाउंड किया गया था 1999 में, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है, इसके चेयरपर्सन सुभाष चंद्र कुंटिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु लॉन्च ओमनी कार्ड, अ प्रीपेड कार्ड फॉर यंगस्टर, किसने लॉन्च किया ओमनी कार्ड को जो कि एक प्रीपेड कार्ड है यंगस्टर के लिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है SBI, ऑप्शन बी इरूट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इरूट टेक्नोलॉजी। जो ऑथराइजेशन मिल गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उसके बाद इश्यू करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को इरूट टेक्नोलॉजी जो कि एक फिनटेक कंपनी है, उसने लॉन्च किया एक ओमनी कार्ड जो कि एक प्रीपेड कार्ड होगा यंगस्टर के लिए जिनका एज 15 से 24 ईयर्स के बीच में होगा। ये पहला प्रीपेड PPI लॉन्च किया गया नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के द्वारा इंडिया पे RBI के अलॉटमेंट के बाद। ओमनी कार्ड जो है इसको पावर किया गया है रुपए के द्वारा, ये ऑफर करेगा सिक्योर पेमेंट को, इंटीग्रेटेड होगा जो कि बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शन के लिए। तो कंपनी है वो टारगेट कर रहा है कि वो रीच करेगा 230 मिलियन यूथ को। अब हम कुछ फैक्ट को देखेंगे। तीरू टेक्नोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है, इसके को फाउंडर MD CEO संदीप पांडे है, SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा है, हेडक्वार्टर मुंबई पे है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के CEO प्रशांत त्रिपाठी है, फाउंडर अनलजीत सिंह, फाउंड किया गया था 2001 में। ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट का है। हु लॉन्च सरल पेंशन प्लान, किसने लॉन्च किया है सरल पेंशन प्लान को। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन बी उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन सी LIC, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।